नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। उत्तर प्रदेश आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों जहां मंत्री नंदी अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान एक दुकान पर कचौड़ी और उसके ठीक अगले दिन चाय की दुकान पर लोगों के लिए चाय बनाकर और ऑटो की सवारी कर लोगों के बीच सुर्खियों में छा गए थे, तो वहीं अब सोमवार देर शाम को जनसंपर्क अभियान के दौरान मंत्री नंदी एक दुकान पर अचानक से रुककर खुद ही लोगों के लिए जलेबियां छानने लगे, जिसे देखकर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने जमकर मंत्री जी की तारीफ की। जलेबी बनाने के दौरान उन्होंने कहा कि आज वो जिस कैबिनेट मंत्री के पद पर पहुंचे हैं इन्हीं जनता के प्रेम और आशीर्वाद की वजह से है, इसलिए वो जनता की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थाना कल्याणपुर में 8 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य घटना प्रकाश में आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नामजद अभियोग दर्ज कर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने व अन्य कार्रवाई के संबंध में एडिशनल डीसीपी वेस ने जानकारी दी। थाना कल्याणपुर क्षेत्र में बीती रात एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो नामजद अभियुक्त है उसकी बहुत शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए हमारी 3 टीमें बनी हुई हैं, बहुत शीघ्र गिरफ्तारी करके हम लोग इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। कानपुर के श्याम नगर में देर रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बंद मकान में डकैतों ने धावा बोल दिया। अमेरिका में बैठे इंजीनियर ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए लुटेरों को देखा और पड़ोसियों और पुलिस को खबर दी। पुलिस के पहुंचने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरा घायल हो गया, जिस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई और 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। हालांकि अन्य बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पुलिस बाहर से सरेंडर करने की अपील करती रह गई। इंजीनियर भाइयों ने अमेरिका से घर की निगरानी करने के लिए हाईटेक सीसीटीवी लगवा रखे हैं। सोमवार देर शाम 6 बदमाश घर में दाखिल हुए। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कैमरे से डकैतों को घर में घुसते हुए और ताला तोड़ते हुए देखा तो उसने माइक से हिदायत दी कि तुम लोग सीसीटीवी में कैद हो गए हो, भाग जाओ नहीं तो पुलिस बुला देंगे। इसके बाद भी डकैत नहीं माने और सीसीटीवी तोड़ डाले और मकान में भीतर घुस गए, जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसकी सूचना पड़ोसी और चकेरी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चकेरी पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर डकैतों को पकड़ने का प्रयास किया तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। ऑपरेशन कितने लोग मिले, क्या है? देखिए, सूचना हमें लगभग 12:15 के आसपास पता चली थी कि एक घर जो श्यामनगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ पे कुछ बदमाश आ गए थे चोरी के मकसद से, क्योंकि सूचनाकर्ता जिनका घर है वो अमेरिका में रहते हैं, तो उनके द्वारा जो इन्होंने घर में कैमरे लगाए हुए थे उससे पता चलता रहा। उन्होंने देखा, कैमरे से अलर्ट हुए और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बताया, फिर उन्होंने सूचना हमें पुलिस को दी। जब पुलिस यहाँ मौके पर, जो लोकल इंस्पेक्टर हैं चकेरी इंस्पेक्टर, वो आए तो और कई सारे लोग भी यहाँ लोकल वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने देखा एक लड़का जो भाग रहा था तब उसकी फायरिंग भी हुई, क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें इंस्पेक्टर चकेरी की तरफ से भी फायरिंग हुई है, तो उसमें शायद उसके जख्मी भी हैं। उसको हम लोगों ने उतार के हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल में अभी उसको एडमिट करा है, इलाज चल रहा है, अभी ठीक है, उसकी स्थिति ठीक है और बाकी लोगों की जानकारी करी जा रही है जो कहाँ से हैं और उसके भी नाम पता हम लोग पता कर रहे हैं। बाकी जो आगे की विधि कार्रवाई, अभी क्या अंदर कोई है इसमें? देखिए, अंदर हम लोगों ने पूरा चेक किया, अंदर में किसी प्रकार से कोई चोरी की घटना उनके घर वालों के सामने उनको दिखाया, सारे ताले लगे हुए थे, उस प्रकार से कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि अंदर वो जा ही नहीं पाया क्योंकि ताले इतने सारे लगे हुए थे, तो अंदर अभी कोई उसके अंदर। सर, कितने लोग थे पकड़े गए, कितने का नाम क्या है सर? देखिए, नाम और पता अभी हम लोग कहां भर्ती कराए हैं, उसको हैलेट हॉस्पिटल लेके गए। हैलेट में तो कोई ऐसी जानकारी सूचना नहीं मिल रही। कितने यानी हैलेट में है, आप जाके देखिए आपको पता। कितने लोग थे सर अभी तक? एक व्यक्ति मिला है और बाकी और भी जो है उससे पूछताछ की जाएगी, तो आपको सर फुटेज में सर जो दिखाया उसमें सर देखो, जो फुटेज आई है जो हम लोगों घर वालों की तरफ से ही मिली है उसमें अभी तक एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बाकी अगर कोई और भी निकल के आता तो आपको। फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।